हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग फुल मून की। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल मून आ गया है। कुछ लोग उसे कल रात को देखे होंगे और आज रात भी फुल मून है। हम फुल मून देख सकते हैं इंडिया में आज, और ये अपने साथ हमेशा एक नए चेंज की एनर्जी लाता है। अगर आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स है, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हैं, तो मून बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। मून यानी कि इमोशंस, और इमोशंस से हम हर इंसान वाकिफ है और जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, यानी कि सारे साइंस की ये रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। तो आप इस फुल मून की रीडिंग से आप देख सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ से मैच होती है तो क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम कुछ दूसरे टाइप से शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रही है। तो सबसे पहले हम मून के कार्ड से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स है और फिर ये ब्लेसिंग आपके पास कैसे आएगी। फ्रेंड्स, मैं फिर से बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट करती है फ्रेंड्स, तो आप इसके सॉल्यूशन को रख सकते हैं, और अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं। तो आइए देखते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग में कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रही है ये मून ऑफ 2022 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कर ली है शफलिंग, अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है। सबसे पहला जो मैसेज आया है फ्रेंड्स, आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यानी कि जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई काम आपका नहीं बन रहा, या फिर कोई काम आपका नहीं हो रहा है अभी, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन, उसका कंक्लूजन, उसका आंसर आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। और देखिए, ये है फुल मून इक्लिप्स पे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, फुल मून का ही कार्ड आया है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है फ्रेंड्स, देखिए, हम नेगेटिविटी को कभी खराब वे में नहीं ले सकते। हर इंसान में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और अगर हम उसे सही वक्त पर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो फिर उसका सॉल्यूशन मिलना भी बहुत आसान है। तो अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, या फिर अगर आप में कोई बुरी आदत है, तो उसे निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है। हम एक और कार्ड लेंगे फ्रेंड्स। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यानी कि आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, यानी कि आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, जिन्हें भी आप अपने दिल के करीब मानते हैं, उनको ब्लेसिंग्स है हमारे मून के तरफ से। तो आपको यही गाइडेंस मिल रही है सबसे पहले कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यानी कि अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है ये आगे की रीडिंग में देखेंगे। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो हम ये कार्ड का भी अभी हम देखेंगे कि क्या नेगेटिविटी के बारे में मून बात कर रही है, जो कि आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है। और आपके लव्ड वन सेफ है। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यानी कि आपके लाइफ में एक वही मेजर चेंज डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ कार्ड्स
और जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में अब आने वाला है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से कि वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि कौन सी नेगेटिविटी है जो हमें अपनी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स डाल रही है उससे हमें खुद को बाहर निकालना है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉब्लम ही नहीं जानेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन पर कैसे काम कर सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अनजाने में भी बहुत गलतियाँ कर देते हैं और जिसे सुधारते सुधारते शायद हमारा अच्छा वक्त निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप ये जान पाएं कि ये जो गाइडेंस हमें मिली है किस बात को लेकर मिली है। ओके, फिर से मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि फुल मून की ब्लेसिंग्स 15 टू 30 डेज तक आपकी लाइफ में रहती है, जब तक कि फिर से एक नया मून या फुल मून नहीं आता, तो इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली रहता है। चलिए, मैंने कर ली है शफलिंग। पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स द आउटसाइडर। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, मोमेंट टू मोमेंट, सबसे पहले मैं जो ये कार्ड ओवरऑल आपको मीनिंग बता रही है वो ये है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, आप लोगों से खुद को बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लोग कहते तो हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आई हैव फेथ इन यू, आई हैव बिलीव इन यू, बट जब रियल टाइम आता है तब आपके साथ कोई नहीं रहता। आप दो सिचुएशन के बीच हमेशा ड्वेल करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशंस ये भी बता रहे हैं कि आपको जब सबसे ज़्यादा किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल ही नहीं रहते, और जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लाइफ में। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको ऐसे धोखे इतने ज़्यादा मिले हैं लाइफ में कि ट्रस्ट इशू का बहुत बड़ा मामला है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जो लोग सच में आपको आपके वेल विशर हैं और आपको मानते हैं, आपका ये जो नेगेटिविटी है वो इतना ज़्यादा हो गया है लाइफ में कि आप कभी कभी उन्हें भी मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, और जिनसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है आप उन्हें समझा नहीं पाते कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप किसी को ट्रस्ट आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है फ्रेंड्स कि ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपके लाइफ में कुछ लोग इन एंड आउट हो रहे हैं, यानी कि कुछ वक्त के लिए कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपको पल भर की खुशियाँ दे रहा है, फिर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जा रहा है। तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन सच में मेरी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है या नहीं। इस वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी एक डिफरेंसेस की सिचुएशन बन गई है। मैं थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहूँगी ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस सिचुएशन के बारे में। कंडीशनिंग, मोरालिटी, अबंडेंस। ओके, तो फ्रेंड्स अगला सेट ऑफ जो कार्ड्स आया है वो हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली इस कार्ड से ही रिलेटेड हमारा नीचे वाला कार्ड आया है कंडीशनिंग, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है।
हो सकता है आपके आसपास की एनर्जी इतनी पॉजिटिव ना हो, या फिर आप जिनसे बात करते हैं या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो शायद इतने मोटिवेशनल नहीं हैं कि आपको समझा सके या आपको हिम्मत दे सके कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि वैसे तो आपको डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ है, बट आप एक टाइम पे अपने फेथ को बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, आप श्योर नहीं रहते चीज़ों को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है आप में, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज करना। आप हर इंसान को एक नज़र से नहीं देख सकते। अगर एक इंसान ने आपके साथ बुरा किया या गलत किया, या फिर एक सिचुएशन या फिर एक माहौल जिसके वजह से आपके लाइफ को अफेक्ट पड़ा है, आप उसके वजह से सबको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। तो कभी कभी जो डिसीजन आप लाइफ में लेते हैं उसको सही तरीके से लें, और अगर आप इन बातों का सच पे ध्यान रखते हैं, तो जैसे कि हमारे बॉटम ऑफ द डेक से आया था, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो डेफिनेटली ये चेंज आपको एबंडेंस की ओर डेफिनेटली ले जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपकी सिचुएशन करेंटली और किन बातों से हो रही है कंडीशनिंग, मोरालिटी, आउटसाइडर का सिचुएशन बन रहा है आपकी लाइफ में। ओके, दो कार्ड्स अपने आप ही आ गए हैं। पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। दूसरा कार्ड आया है द थिंकिंग मैन, ओके, नंबर 46। इंटरेस्टिंग। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। The World, number 29. Okay. Angel of Balance, number 48. I hope cards visible हैं आपको. Caring Connection, number 14. मैं एक और कार्ड लूंगी. Oh. कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है फ्रेंड्स पेशेंस का कार्ड, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। अब तक जो मैं आपसे बात कर रही थी कि लोगों पर ट्रस्ट इशू या फिर नेगेटिव जो आपके अंदर थॉट्स चल रही है, तो इनका ना आंसर बिल्कुल सामने बहुत ही क्लियर आया है। आप जो सबसे पहला कार्ड देख सकते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपका दिल टूटा है, और ये जो दिल आपकी लाइफ में टूटा है ये आपको बहुत मेजरली इम्पैक्ट किया है लाइफ में। आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए आपके अंदर एक, मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिविटी सी हो गई है, यानी कि आप लोगों को जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी से नया कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करते हैं, कोई नया अगर आपकी लाइफ में आता भी है, और अगर आप बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो एक टाइम के बाद आपके थॉट्स में वही आने लगता है कि अगर ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट मांगे, अगर ये पर्सन मुझसे कोई अश्योरिटी मांगे, तो मैं तो दे दूंगा या दे दूंगी, पर क्या वो मेरे से लॉयल हो पाएगा, ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है सिचुएशन या कंडीशन इतनी बुरी ना हो, इतनी ख़राब ना हो, या फिर सिचुएशन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए, बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे, इसलिए कार्ड आया है द थिंकिंग मैन का, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना। कभी कभी हम इतना ज़्यादा सोचते सोचते नेगेटिव में चले जाते हैं कि जो चीज़
पॉजिटिव मैनिफेस्ट होकर आना चाहती है आपकी लाइफ में, वो भी नेगेटिव हो जाता है। आपको ये पता होगा, अगर आपको ये पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर की ऊर्जा से वो मैनिफेस्ट होती है। तो आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं ना, तो सब एक साथ मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़, कोई भी विश को मैनिफेस्ट करें, तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें, शांत करें। क्योंकि आप क्या मांग रहे हैं, आपके माइंड में कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। आप हर चीज़ को अगर बैलेंस ही कर लेंगे, तो फिर लाइफ में तो किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आपका जो दिल टूटा है, तो आप अपने दिल से अकेले हैं, यानी कि आपका दिल खाली है और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप इंटर भी किसी को अपनी लाइफ में इसीलिए नहीं करने दे रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर फिर से कोई ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं डेफिनेटली इसे संभाल नहीं पाऊंगा। क्योंकि एक बार हार्ट ब्रेक होने के बाद दोबारा उस सेम सिचुएशन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ये मैनिफेस्ट करते हैं, आप ये विश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर आए। आप एक सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम का डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको अब अपने लाइफ में ना एक बैलेंस की ज़रूरत है, जो आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे कार्ड इंडिकेट कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन रेगुलरली हो रही है, चाहे आपको पता हो, कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, और आप एक जस्टिस की भी उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स डिवाइन से। क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला पर्सन आज़ाद है, घूम रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, शायद मैं अपने आप को अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों, वो क्यों नहीं, तो आपको इसका भी आंसर चाहिए डिवाइन से। तो ये आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक कनेक्शन की उम्मीद में भी है कि मेरे लाइफ में एक कनेक्शन आए और जो बैलेंस बिगड़ गया था वो बैलेंस फिर से संभल जाए। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन और थॉट्स के कार्ड्स आए हैं, जो आप एक्चुअली में सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में ये सारी चेंजेस हो जाए, तो शायद आपको कोई आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो ये आप अभी करंट एनर्जी में सोच रहे हैं। तो मैं आपको इस कार्ड से ये भी आपको मैसेज देना चाहूँगी जो मुझे मिल रहा है, कि एक चेंज तो डेफिनेटली आने वाला है, और वो चेंज आपके लिए एबंडेंस भी ला रहा है, और एक शायद साइकिल भी कंप्लीट होने वाला है। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। नंबर 16 इज़ द कार्ड। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, आपकी कोई विश पूरी हो, या फिर कोई पर्सन आपको समझे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें। क्योंकि कोई भी चीज़ यू नो चुटकी बजाने से नहीं हो जाती, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। हम जब कोई चीज़ चाहे तभी वो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली एक बैलेंस, एक केयरिंग कनेक्शन, और अगर आपको लगता है कि सामने वाले की गलती से कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हुआ है, तो दूसरों को सबसे पहले ब्लेम देना बंद करें फ्रेंड्स। कभी कभी मैं हमेशा आपको रीडिंग में कहती हूँ, जब भी मैं मेरे पास ऐसे कार्ड्स आते हैं पास्ट को लेकर, हार्ट ब्रेक को लेकर, तो मैं हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि आप किसी जजमेंट का वेट नहीं कर सकते, आप किसी को बद्दुआ नहीं दें, ये आपका काम नहीं है। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें कोई लेसन देने आते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है वो टाइम जब वो हमारे साथ होता है, तो वो बहुत कड़वा सिचुएशन होता है, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले जानते हैं, या फिर ये वो 100 तरह के सवाल। बट अगर आप इसे इस तरीके से ले कि ठीक है, ये मेरे साथ हुआ, इसके पीछे कोई कारण था, हो सकता है वो पर्सन मुझे कुछ सिखाने आया था या आई थी, मैंने सीख लिया, और मेरे अंदर उस पर्सन के लिए कोई भी गलत भावनाएं नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर ला सकें, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स बन रही है, आपके वर्क में, आपके करियर में, आपके
मनी मैटर्स पे, ये सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, बट आपको चेंज अपने आप में लाना है। और ये वो नेगेटिव चीज़ है जो आपके अंदर है, आप माने या नहीं माने। मान लीजिए आपका जिनके साथ रिसेंट पे ब्रेकअप हुआ है, आप किसी पार्टी में गए हैं और वो पर्सन आपके सामने आ जाए, जस्ट कोइंसिडेंटली वो भी उस पार्टी को अटेंड करने आए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि आप उन्हें देखकर जस्ट मुड़ जाएं और चले जाएं और अपने दोस्तों से कहें कि मुझे यहाँ से जाना है, मैंने उन्हें देख लिया, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को भी डिवाइन ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी वो आपके लाइफ में आए हैं। एक पत्ता तक नहीं हिलता दोस्तों जब तक डिवाइन की मर्जी नहीं होती, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती, ये तो आपको पता होगा। तो किसी इंसान के पास इतना पावर नहीं है कि कोई आपका हार्ट ब्रेक करे या फिर जान के कोई सिचुएशन पैदा करे। ये उनसे करवाया जाता है ताकि आगे का रास्ता, आगे की जो मंजिल है आपकी लाइफ में, वो सही बना रहे। तो इस बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब कार्ड्स टैरो से, और टैरो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और इस फुल मून में जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एबंडेंस आ रहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा फुल मून का ओवरऑल आप सभी राशियों के लिए। ओके, एक कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड आया है मैजिशियन का। तो जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लाइक आपको खुद भी नहीं पता, इसीलिए मैजिशियन का कार्ड सबसे पहले आया है। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चल रही है, आपको उसका खुद भी अंदाज़ा नहीं है। और आपको ये भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमेशा ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप किसी के लिए बुरा चाह रहे हैं ना, तो वो घूमकर आपके लाइफ में भी एक पॉइंट पे आएगा। हमेशा सबका अच्छा चाहें, क्योंकि बुरा भला, ये जो जजमेंट वाली चीज़ें हैं ना, ये काम डिवाइन का है, ये काम आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किसी का नहीं है। हम बस हैं कि हम आपको आपके लाइफ को गाइड करने में हेल्प कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा भी कोई रोल नहीं होता। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ टैरो से, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़ोरों से चल रही है, और जो आपके लाइफ में आने वाले हैं एज अ अबंडेंस, एज अ ब्लेसिंग, ये पर्सन आपके पास से आ रहे हैं फ्रेंड्स, और डेफिनेटली आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में करने जा रहे हैं। कार्ड आया है हैंगमैन का, यानी कि वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, पर आप अपना दिमाग उधर लगा ही नहीं रहे हैं। आपका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, आप अभी भी कंफ्यूजन की स्टेट में हैं। हर्मिट, डेफिनेटली ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, केयरिंग कनेक्शन के जस्ट ऊपर आया है एस ऑफ कप्स, क्या बात है, एंड द स्टार। तो पहले मैं इन कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे इंडिकेट सबसे पहले, जैसे कि मैं बात कर रही थी, कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा जोरों से चल रही है दोस्तों। आपको भी नहीं पता कि आप पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन अच्छे से करें दोस्तों, एक पॉजिटिव भावना लेकर करें, मैं ये बार बार कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत ऐसा क्यों हो गया।
तो आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन चल रही है और ये मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो रही है और डेफिनेटली होने वाली है, यानी कि आप नेक्स्ट वन वीक में या फिर नेक्स्ट 5 to 6 days में ये चेंजेस अपने लाइफ में देख सकते हैं। आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली पास्ट के पर्सन, आपके सोल ग्रुप के पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको नॉक करने वाले हैं। आपको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन वो पर्सन है। अगर ऑल्टरनेटिवली आपके लाइफ में 2-3 लोग हैं जो हैं, तो आपको इनमें से जानना होगा कि ये वो पर्सन है कि नहीं, क्योंकि जब आपके लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आता है तो आपकी और उनकी एनर्जी सिमिलर होती है। सिमिलर यानी कि मान लीजिए आपके कुछ चॉइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, जो सिर्फ आपको लगता है आप में भी है, हो सकता है इनडायरेक्टली उस पर्सन में भी हो, तो मे भी हो सकता है वो पर्सन आए और साथ में आपके लाइफ में एक सोलमेट भी आते हैं। और सोलमेट जब हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ चेंज होती है, पर वो पर्सन आपको कोई हिंट नहीं देता। जब कोई सोलमेट आता है वो आपको कोई हिंट नहीं देता, आपको पहचानने की ज़रूरत है कि वो सोलमेट कौन है। तो कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो ये अभी का प्रेजेंट सिचुएशन, जो माहौल बना है, हो सकता है आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, आपको छोटे मोटे काम मिल रहे हैं, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका दिल भी खाली है। तो आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ 2-2 यहाँ पे कप्स के कार्ड है, तो आपके लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं। आपकी एक विश मैनिफेस्ट हुई है, वो भी फुलफिल होने वाली है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अपने प्यार को लेकर, तो आपकी प्यार वाली विश डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है। आने वाले 6 से 7 दिन में आप देख सकते हैं कि वो पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली नॉक करने वाले हैं। ये पर्सन हो सकता है एयर साइन से हो, दैट इज जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन मुझे तो यहाँ पे सो ये पर्सन जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी विश को फुलफिल करने वाले। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी है, क्योंकि हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड और ठीक उसके नीचे है विक्ट्री का कार्ड, यानी कि ये हो सकता है आप फायर साइन से हो, एरीज लियो सजिटेरियस हो। फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे कार्ड से मैं बस देख रही हूँ उस डेक से, ये भी आ गया है, यानी कि आपके लाइफ में ये चेंजेस भी आ रहे हैं, तो मैं ये तीनों कार्ड भी ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सोच समझकर, और ये एक और कार्ड आया है आप देख सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड हमें डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को बनाकर रखें। जिसे आना होगा आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे और वो डेफिनेटली आपके लाइफ को एक नया मोड़, एक नई चेंज, एक नई दिशा में डेफिनेटली ले जाएंगे, पर तब जब आप अपनी लाइफ से ये नेगेटिव थॉट्स को हटाएं। आप किसी से अपने पास्ट के बारे में किसी तरीके की झूठ बातें ना बोलें, यानी कि उस पर्सन ने मुझे किया। फ्रेंड्स हर चीज़ ना एक बैलेंस में होती है, यानी कि कुछ आपकी भी गलती होगी, कुछ उनकी भी होगी, तब जाकर कोई चीज़ निकलता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, तो ये जजमेंट करने का काम आपका नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आए, ये नए ऑफर्स आए, आपको क्लैरिटी मिले, आपको जजमेंट मिले, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अपने मन से ये थॉट को बाहर निकालना होगा। तो ये जो फुल मून है, ये ओवरऑल आपको दे रहा है अबंडेंस, जो हमने कार्ड देखा। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपके वर्क में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप किसी प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक प्यार भी आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में गुड न्यूज़ भी आने वाला है। मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में, यानी कि आप एक बहुत अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, यानी कि लोग आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि लोग आपकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जब आप सामने वाले से कोई बात करते हैं, तो लोग आपकी बातों को डेफिनेटली एक वैल्यू देते हैं, तो आपको बात बहुत अच्छे से करना आता है। कार्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आने वाले दिनों में अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़, यानी कि जो आपको हर्ट की हो, या फिर जो
जिससे आप बहुत ज़्यादा उदास हैं या फिर आपको लग रहा हो कि बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन भी आ रहा है, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे थे उन सब से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे अब कुछ और कार्ड्स और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको और क्या मैसेजेस मिलने वाला है। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आने वाला है आपकी लाइफ में, और क्या आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, किन बातों का रखना है ध्यान। मैं एक और बात जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप जिन्हें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने वर्क को, अपने करियर को, तो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट ना करें जो आपको बाद में जाकर लगे कि ये तो मैंने नहीं मांगा था, ये कैसे आ गया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। हमेशा हमारी लाइफ में मोस्टली ऐसी चीज़ें ही आती हैं जो हम किसी एक सिचुएशन में आकर, किसी दुख में आकर या फिर एक्सट्रीम खुशी में आकर हम मांग लेते हैं। हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत उस पर्टिकुलर एक पल में हो, इसके बाद शायद आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, और वो चीज़ जब हमें एक सर्टेन टाइम के बाद मिलता है तब हमें लगता है ये अभी क्यों आया, इसे अभी नहीं आना चाहिए था, राइट? सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप डिवाइन पे ही भरोसा करते हैं और आपको लगता है जो डिवाइन मेरे लाइफ में लाएंगे वो अच्छे के लिए लाएंगे, तो डेफिनेटली आप फिर मैनिफेस्ट ना करें, और करें तो सही मन से करें, अच्छी चीज़ें करें, क्योंकि अगर आप जो मांगते हैं वो शायद इतना सा हो डिवाइन के लिए, और जो वो देने वाले हो, तो कहते हैं ना देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो हो सकता है डिवाइन आपको जो देने वाले हो इतना बड़ा हो कि आपको संभालने तक का टाइम ना मिले, राइट? तो अपने थॉट्स को डेफिनेटली चेंज करें फ्रेंड्स। आपके घर वाले सुरक्षित हैं, आप हैं, बस आपकी जो थॉट है इसे बदलने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड आज बहुत बार आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ की बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पे भी जजमेंट है, यानी कि आपका वो डिवाइन, और हमारे पास वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, यानी कि आप जिस जजमेंट का वेट कर रहे हैं अपने वर्क में, करियर में, अपने लव लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली ये जजमेंट डिवाइन की तरफ से आ रहा है, और फुल मून के टाइम और फुल मून के बाद, यानी कि एक दिन दो दिन या फिर आप इस नेक्स्ट 15 डेज में आप इस चेंजेस को अपने लाइफ में देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा क्या है आइए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, यानी कि मुझे इतनी समझ है कि हर इंसान का एक अलग रास्ता है, अलग चैलेंजेस है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं तब से आपसे इस रीडिंग के बारे में बात कर रही थी। तो ये जजमेंट अगर डिवाइन करते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। नेगेटिव बोलना बंद करें फ्रेंड्स। देखिए कार्ड भी आया है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। एग्जैक्टली मैं पूरे रीडिंग में आपको ये कार्ड्स मैंने आपके सामने ही शफल किए, ये कार्ड का मतलब ये है कि मुझे ये सीखना होगा, ठीक है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट, मुझे ये सीखना होगा और मुझे एक्सेप्ट करना होगा कुछ चीज़ें जो लाइफ में होती है उसे हम बदल नहीं सकते। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है उसे होनी होती है, इसीलिए होती है, तो हमारे हाथ पे नहीं है कि वो हो जाए, राइट? नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है ह्यूमर का, ये कार्ड में लिखा है आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, यानी कि ये जो नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में आना है, नेगेटिव यानी कि यू नो स्ट्रॉन्ग थॉट्स, हैवी थॉट्स जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपको नींद नहीं आता, एक बेचैनी सी रहती है, तो इससे आप बाहर कैसे निकले? ह्यूमर, यानी कि आपको लाइफ का लाइटर पार्ट देखना है, और अगर आप लाइटर पार्ट देखेंगे तो ये देखिए बॉटम से यहाँ पे भी आया है बैलेंस का कार्ड, हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आया था। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट, यानी कि लाइफ में बैलेंस तब आती है जब हम दूसरों को
जजमेंट करना बंद कर देते हैं। तो आज की पूरी रीडिंग ही इसी के ऊपर है दोस्तों, कि जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जिस भी रूप में आ रहा है, आप उसे ब्लेसिंग के हिसाब से लें, मन को साफ रखें, कभी भी उसको अदर वे में ना लें, उसे एक लेसन बना कर लें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि ये आसान है, ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये सबके लाइफ में होता है, सिर्फ आप विक्टिम नहीं हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो इससे भी, आपसे भी हो सकता है, बहुत ख़राब कंडीशन से गुजर रहे हो, आपको नहीं पता, राइट? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।